हाय गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट जस्ट लाइक मी। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, क्योंकि मैं लेने आई थी अपने बजी मिट्ठू के लिए क्यूट सी छोटू सी मटकी। सो या एंड दिस शॉप वॉज सो प्रिटी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज थे। मुझे टॉयज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइज। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं नहीं, तो यहाँ पे मैंने इन्हें पैसे दे दिए हैं। जल्दी से हम चलते हैं लेके अपने मिट्ठू की छोटू सी मटकी। सो आप मुझे बताइएगा अगर आपको बर्ड्स पसंद है, आपके पास बजी पैरट्स हैं या नहीं। मेरे पास तो हैं 5 जो बहुत क्यूट है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी वो कैसे हैं। एंड या सो यहाँ हम बाज़ार में से चलते हुए जा रहे हैं घर। एंड यस, असलम चिकन पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शायद बारिश हो रही है मे भी इसलिए। लेकिन दूसरा वाला जो असलम चिकन है वहाँ पर हो सकती है। तो घर आके फिर मैंने देखा था एक पाकिस्तानी ड्रामा, इसका नाम पता नहीं, मैंने अभी एक दो एपिसोड्स ही देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, मैं इसका बार बार नाम भूल जाती हूँ। बट या इट वाज एन ओल्ड ड्रामा। सो या फिर मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ यूनिक बनाती हूँ। तो मैंने एक रेसिपी देखी और उसमें ईजी पीजी था ये आटे का हलवा, तो मैंने ये बनाया था। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे एंड यू नो वॉट गाइज, ये बहुत अच्छा बना था। लाइक इसकी जो स्वीटनेस थी ना वो भी कंट्रोलेबल थी, मैंने कम शुगर ही डाली थी। मैं आपके साथ कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको चाहिए। बहुत सॉफ्ट था और बहुत ज़्यादा यम्मी था खाने में। एंड या ये खाने के बाद मैंने अपने बजीज को भी थोड़ा सा फीड करवाया था। ये देखिए मेरे मिट्टू, ये है कुकी एंड वो स्नो थी, और ये है रिको। मैं कभी कभी इसे रिको मीको भी कहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट है मेरे बजीज। एंड ये देखिए मैं इस मटकी लाई थी, उसके अंदर मेरा मिट्टू जाके बैठ के आया, ये बहुत क्यूट लग रहा था गाइज। एंड या शी वॉज जस्ट रेस्टिंग देयर। एंड मैंने फिर उसके बाद इन्हें ग्रीन्स में खिलाया था कोरिएंडर, दे लव कोरिएंडर। अभी आप देखिएगा कितने मज़े से खाते हैं ये लोग। सी दे आर जस्ट लाइक, सब मुझे दे दो, सारा कोरिएंडर दे दो, दे जस्ट लव कोरिएंडर। सो मैं इन्हें वीक में एक दो बार कोरिएंडर खिलाती हूँ, ज़्यादा ग्रीन्स भी नहीं खिलाने होते हैं। सो या एंड मैं बाहर से पिज्ज़ा लेकर भी आई थी। सो हियर इट इज़। या मेरा मन कर रहा था थोड़ा ना यू नो काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने सोचा यहाँ का ट्राई करते हैं। सो यस, ये जल्दी से भैया पिज़्ज़ा बना रहे थे एंड दैट वाज क्वाइट गुड। मतलब कभी कभी आपको लगता है कि अगर आप मतलब ऐसे रेस्टोरेंट से खाओ वही खाना अच्छा होता है। स्ट्रीट वेंडर्स का या ऐसे छोटी स्मॉल शॉप्स होती हैं इनका भी बहुत यमी होता है गाइज। अगर आप कभी ट्राई नहीं करते हो तो डू ट्राई देम, बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पे जल्दी से भैया ने पिज़्ज़ा पैक शैक कर दिया और मैं जल्दी से घर ले आई और फिर मैंने खाया था। एंड दैट वाज सो चीज़ी, सो यमी, आई जस्ट लव इट। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। सो अभी मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या किया था। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना सबसे पहले आप देख सकें। एंड या सो उसके बाद मैंने इसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक भी पी थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, वेद प्रकाश का लेमन सोडा। फिर उसके बाद ये मैंने बहुत लेट नाइट अपना डिनर किया था, बहुत ही ज़्यादा लेट। सो इट वाज मिन्स्ड चिकन विद ब्रिंजल एंड राइस एंड अनियन। सो या दिस वाज माय डिनर, मतलब लेट नाइट डिनर यू कैन से। क्रेविंग्स हो रही थी मुझे थोड़ा बहुत खाने की, तो मैंने ये खाया था। और मैंने ये खाया था अब पाकिस्तानी ड्रामा देखते हुए। सो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग डाउन, मैं सोच रही थी मैं कौन सा ड्रामा देखूं, पर उससे पहले मैंने सोचा कीबोर्ड पे मैं अपना नाम ढूंढती हूँ, FAIZA। सो उससे पहले ना पाकिस्तानी ड्रामा देखने से पहले मैं सोच रही थी मैं कौन सा ड्रामा चूज़ करूँ, बिकॉज मेरी लिस्ट में ना दो थे, नूरजहाँ एंड कभी मैं कभी तुम, क्योंकि दीज बोथ आर वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ नाउअडेज। और उससे पहले ना मैं सबसे पहले अपना जो कनेक्शन था वो मैं लगाना भूल गई थी। सो या सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम चलाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं और आप कौन सा रेकमेंड करेंगे, और मैं जो देखूंगी वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, लाइक विच इज़ बेटर, नूरजहाँ और कभी मैं कभी तुम। बट अभी तो मैंने एक दो एपिसोड्स ही देखे हैं नूरजहाँ के एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और कभी मैं कभी तुम मैं बाद में देखूंगी। सो या अभी मैं इसका जो कनेक्शन था वो लगाना ही भूल गई थी, चलिए वो जल्दी से लगा लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सो गाइस, या अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं रील्स अपलोड करती हूँ। सो आप वो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको वो कैसे लगे, एंड आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको व्लॉग कैसा लगा।
मैं आजकल ना, क्योंकि अभी स्पॉट राउंड अभी चल रहा है, आई गेस लास्ट स्पॉट राउंड नहीं आया है अभी CUET का कॉलेजेस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी कॉलेज में, है मतलब पुराने वाले बच्चों का ही है। सो मैंने सोचा मैं अभी कॉलेज एक दो दिन नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं गई थी। और मुझे फिर फीवर भी हो गया था थोड़ा सा, मतलब मुझे यू नो वेदर इज़ चेंजिंग, सो थोड़ा सा लगता है लाइक यार यू आर नॉट एबल टू गो टू एनी वेयर, सो मैं नहीं गई थी फिर। एंड तो बस घर पे मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, थोड़ा के ड्रामा देख रही थी। और मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना चैनल। अगर आपने इस लड़की का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब हर चैनल, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है, बहुत मेहनत करती है। एंड या और शेयर भी कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं। सो मैं आपको वो बताई थी कि कॉलेजेस में अभी मैं एक CUET पे मैं वीडियो शेयर करूँगी लाइक CUET का एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, बिकॉज़ आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने फर्स्ट टाइम CUET एग्ज़ाम दिया था और मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। सो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। दिस वाज माय CUET एक्सपीरियंस एग्ज़ाम, जिसे 2 ईयर्स हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मतलब ऐसा लगता है मैं अभी तो एग्ज़ाम देने गई थी और 2 साल भी हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने टाइटल पे लिखा है कि सरप्राइज़ है आज के व्लॉग में, सो द सरप्राइज़ इज़ दैट माय बजी जस्ट ले एन एग एंड आई एम सो 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 हैप्पी गाइज। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ। एंड या डू सब्सक्राइब, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, सी हाउ क्यूट ना, बाय।